क्या सलमान खान को सता रहा लॉरेंस बिश्नोई का डर? क्योंकि सलमान खान ने अपनी जान को लेकर खतरा बताते हुए कई सारे खुलासे कर दिए हैं। जी हाँ, 1735 पन्नों की हुई चार्जशीट दायर में सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई के बुरी नीयत के बारे में सारी पोल खोल दी है। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले को लेकर एक्टर का बयान सामने आ गया है। क्राइम ब्रांच ने 4 जून को सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज किए थे। उस बयान में सलमान खान ने अपने घर के बाहर हुए मामले का पूरा किस्सा बताया था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान ने अपने स्टेटमेंट में उस दिन का पूरा वाकया सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने पटाखे जैसी आवाज सुनी, फिर लगभग 4:55 पर पुलिस ने कहा कि बाइक पर 2 लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की पहली मंजिल की बालकनी पर हथियार से फायरिंग की थी। मुझे और मेरी फैमिली को पहले भी चोट पहुँचाने की कोशिश की गयी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान का बयान लगभग 4 घंटे तक दर्ज किया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे ये भी पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया से हमले की जिम्मेदारी ली है, इसलिए मेरा मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जिसने मेरी बालकनी पर फायरिंग की है। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह के लोगों ने एक इंटरव्यू में मुझे और मेरे रिश्तेदारों को मारने की बात कही थी। सलमान ने आगे कहा, मेरा मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गिरोह के सदस्यों की मदद से फायरिंग की थी। जब मेरी फैमिली के लोग अंदर सो रहे थे तो वो लोग प्लान बना रहे थे मुझे और मेरी फैमिली को जान से मारने के लिए। उन्होंने इस हमले को अंजाम भी दिया। कुल मिलाकर सलमान खान ने अपने स्टेटमेंट से साफ साफ बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे सलमान को जान से मारना चाहते हैं। अब ऐसे में सलमान के इस बयान के बाद से तो मामला गरमाया हुआ है और शासन प्रशासन और भी हाई लेवल पर प्रोएक्टिव हो गई है, छानबीन कर रही है और लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ जैसे बदमाशों की नाक में नकेल कसने की प्लानिंग में लग गए हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।